कूड़ा ले लो कूड़ा है, गीला सूखा हर प्रकार का कूड़ा कचरा। भाई साहब एक मिनट, भाई क्या गंदगी फैला रखी है, दुनिया कूड़ा बाहर फेंकती है और तू कूड़ा बेच रहा है। पर इसमें नई बात क्या है? यही कि तू कूड़े वाला लग तो रहा है पर कूड़ा लेने के बजाय तू कूड़ा बेच रहा है। क्या बात कर रहे हैं साहब, बहुत तगड़ा बिजनेस है ये। घर से कूड़ा उठाने में क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है, लेकिन कूड़ा बेचने में बहुत तगड़ी कमाई है। पर कूड़ा खरीदता कौन है? आप? मैं? मेरा मतलब आप जैसे लोग, कई कस्टमर है सर, और आप भी कई बार ये कूड़ा खरीदते ही होंगे। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं पागल हूँ जो कूड़ा खरीदूंगा। सर कैसी बात कर रहे हैं, मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ आप दिन में कई बार ये कूड़ा खरीदते होंगे। मेरा दिमाग घूम रहा है, ऐसा कौन सा कूड़ा कचरा है तेरे पास? हर तरीके का, गीला सूखा, आधा गीला आधा सूखा, सब वैरायटी है। और लोग ये सब खरीदते भी हैं? हाँ हाँ, रोज और दिन में 10-10 बार। ऐसा है मैं पागल हो जाऊंगा, तू कूड़ा दिखा पहले। अच्छा खरीदिएगा, मैं पहले बता रहा हूँ कि आज मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लूंगा, कैश लूंगा। नहीं नहीं मुझे सिर्फ सैंपल देखना है। अच्छा सैंपल देखेंगे, देखिए ये रहा सूखा कचरा और ये गीला। अबे ध्यान से देख, ये बर्गर है ये कोल्ड ड्रिंक है? एग्जैक्टली माय पॉइंट, ये कूड़ा और कचरा ही है। पर एक बात बता, तू इसे कूड़ा बोल के बेच रहा है, इसे खरीदेगा कौन? लो कर लो बात। अरे साहब सबको पता है ये कचरा है, लेकिन फिर भी धड़ल्ले से बिकता है और लोग इसे एंजॉय भी करते हैं। आपको नमूना दिखाएं? आइए। होटल और रेस्टोरेंट में तो आपने भर भर की भीड़ देखी होगी, एक बार उसे देखिए। उस बेचारे के पास एक भी कस्टमर नहीं है, जबकि वो शुद्ध गन्ने का रस दे रहा है जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छा है। आजकल दिक्कत तो यही है, दूध वाला घर घर जाके दूध देता है लेकिन कोई नहीं लेता, लेकिन वहीं अगर किसी को शराब पीनी होती है तो वो मीलों दूर चले जाएंगे। क्या है ना कि आजकल लोग स्वाद के बारे में ज्यादा सोचते हैं, सेहत के नहीं। तुम ये जो ज्ञान देते हो उससे लोगों को फर्क भी पड़ता है? पता नहीं, और मैं इन सब चीजों का हिसाब भी नहीं रखता। मेरा एक चीज मानना है कि आप कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। पर एक बात समझ नहीं आई, तुम्हारा असली काम क्या है? कूड़ा तो नहीं बेचते होंगे? नहीं नहीं, ये तो मैं जब भी फ्री होता हूँ तो सामाजिक जिम्मेदारी की तरह लोगों को जागरूक करने निकल पड़ता हूँ। आज आप मिल गए तो आपको समझा दिया। वो तो मैं समझ रहा हूँ, बट काम क्या करते हो? दिन गिन रहा हूँ। मतलब? सर मुझे कैंसर है। अरे सर आप क्यों दुखी हो गए, बीमार तो मैं हूँ। क्या है ना कि हम लोग बिना सोचे समझे कुछ भी उल्टा सीधा खाते हैं, मन की सुनते हैं दिमाग की नहीं। और मन का क्या है, मन तो साला चंचल है। एक्चुअली मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता था, जिसके चलते मुझे घर से दूर आना पड़ा, तो तब से ये जंक फूड, ये आसी बासी उल्टा सीधा खा के मुझे कैंसर हो गया। तब से मेरी यही कोशिश है कि जो मुझे हुआ है वो और किसी को ना हो। तो बस जब भी फ्री टाइम होता है तो अपना ये झोला लेके टांग के निकल लेता हूँ जागरूकता फैलाने। यार आज का दिन बहुत अलग है, आज मैंने बहुत कुछ सीखा है। आज के बाद मैं कभी ये सब चीज़ें ना खाऊंगा ना पीऊंगा, और दूसरों को भी जागरूक करूंगा कि वो भी आज के बाद ये सब उल्टी सीधी चीज़ें ना खाएं ना पिएं।